जय हिंद दोस्तों, आज मैं हैंड से 50 फ्रंट फ्लिप करूंगा और इस फ्रंट फ्लिप को सीखने में कितना टाइम लगता है आप पूरी वीडियो में देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि एक फ्लिप को सीखने में कितना समय लगता है। दोस्तों हमें किसी भी फ्लिप को सीखने के लिए हमें रोज़ उस पर टाइम देना पड़ता है और उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस फ्लिप को सीखने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर डेली हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आता है, उसको डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। दोस्तों इस फ्लिप को सीखने के लिए आपको कोई सॉफ्ट जगह पर प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि आप किसी सॉफ्ट मैट का यूज कर सकते हैं या तो किसी सैंड का, या तो फिर गार्डन में जाकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यह फ्रंट फ्लिप करते समय चोट लग सकती है, इसीलिए किसी का सपोर्ट जरूर लें ताकि आप चोट से बच सकें। दोस्तों लगभग 50 बार ट्राई करने के बाद थोड़ा थोड़ा फ्रंट फ्लिप आने लगा है मुझे, और भी मैं इसका प्रैक्टिस करूंगा तो शायद मुझे और अच्छे से आने लगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप फिटनेस से रिलेटेड टेक्निकल और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।